हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का पकवान में। आज हम लेके आए हैं आलू मटर की सब्जी की रेसिपी। आलू मटर की सब्जी ये हर घर में इजीली और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते। सबसे पहले देखेंगे इसकी सामग्री, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं। इसमें मैंने ये 3 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर, 4 से 5 लाल मिर्च, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी पालक। इसको हम एज ए ग्रेवी में ग्रेवी बनाएंगे। उसके बाद लिया है मैंने 2 उबले हुए आलू और कुछ 2 से 3 कप मटर। मटर को मैंने पहले ही उबाला है, आप लगे तो उसको भिगो के भी रख सकते हैं, ये हार्डली 6 या 8 घंटे में भीग जाते हैं। उसके बाद 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी करी, थोड़ी सी राई, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े प्याज। उसके बाद देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग करी के लिए पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट के लिए हम उसको पहले भून लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े मोटे से कटे हुए प्याज ऐड किया है, हमको ऑलरेडी इसका पेस्ट बनाना है इसलिए मैंने इसको बहुत ही बारीक नहीं काटा है, मोटे मोटे ही काटा है। और इसके बाद इसमें लाल मिर्च, लाल मिर्च हमारा फ्लेवर बढ़ाने का काम करेगा, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है करी को। और उसके बाद ऐड किया है 1 मोटा-मोटा काटा हुआ टमाटर, इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखेंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। इसको हार्डली हमें 2 से 4 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के आसपास नमक ऐड किया है, नमक आप स्वाद के अनुसार ऐड करना है। करी में और सब्जी में भी हम नमक यूज करेंगे इसलिए थोड़ा नमक देख के यूज करना है। इस टाइप से आप उसको पलटाते रहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी पालक, हरी पालक ऐड किया है। पालक से हमारी जो करी जो रहेंगी, हमारी ग्रेवी जो रहेंगी, अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी आ जाएंगी। इस तरह से सबको मिलाइए। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए। आप इसे एक पैन में भी कर सकते हो या एक कटोरे में भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे तवे का यूज किया है ताकि ये अच्छे से पके और बहुत ही जल्दी हमारी करी के लिए, पेस्ट के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद इसको मैंने 2 मिनट के लिए ढक के रखा था। 2 मिनट हो चुके हैं, देखो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े अच्छे से पक गए, प्याज भी अच्छे से गल गए हैं, टमाटर भी गल गए हैं और अच्छे से ब्राउन कलर भी आ चुका है। इसको थोड़ा मैं मिला लेता हूँ। और इसको थोड़ा साइड में करके रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद हम उसका पेस्ट बना देंगे। तब तक मैंने यहाँ पे एक कटोरा लिया है सब्जी बनाने के लिए, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिए ताकि आपकी ग्रेवी जो रहेगी उसकी ऊपर ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से देखिए मैंने उसको मिक्सर के पॉट में ऐड किया है, इसे हम पेस्ट बना देंगे। अभी पेस्ट बन तक तब तक हम बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो लहसुन था उसको ऐड किया है। एक चम्मच के आसपास जीरा, 1 चम्मच के आसपास राई, इसको थोड़ा अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिला लीजिए।
तरह से इसको थोड़ा मिलाते रहिए, क्योंकि ये नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला यूज किया। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा देख के डालिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ग्रेवी में ऑलरेडी लाल सूखी वाली मिर्च यूज किया है फ्लेवर बढ़ाने के लिए, तो आपकी ग्रेवी जो रहेंगी एकदम से ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, इसलिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा देख के डालिएगा। इसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से पेस्ट बना दिया था अपना अपने वाली करी का, ये पेस्ट को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पॉट से पूरा निकालने के लिए थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए उसमें, देखिए इस तरह से काफी अच्छी दिख रही है ग्रेवी। ग्रेवी को थोड़ा हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया है। दो से तीन मिनट हो चुके, थोड़ा चलाते रहिए ताकि ग्रेवी जो है नीचे ना लगे। इस तरह से चलाते रहिए, ये नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपकी ग्रेवी अगर नीचे लगेंगी तो उसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इसे इस तरह से चलाते रहिए चलाते रहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो उबले आलू थे उसको भी थोड़ा मोटे मोटे काट के पीसेस बना के यहाँ पे ऐड किया है, इसको ग्रेवी में अच्छे से मिलाना है। और उसके बाद लास्ट में हमारे जो मटर है उबले वाले मटर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, और मटर को भी हम ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू मटर की सब्जी जो रहती है 2 टाइप में बनती है, एक ज़्यादा ग्रेवी वाली भी बनती है, एक सूखी वाली भी बनती है। तो इस लेवल में आप देखोगे तो ये सूखी सब्जी कहलाएंगी, इसको आप थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे विदाउट पानी ऐड करके तो सूखी सब्जी कहलाएगी, लेकिन हमें आज की वीडियो में ग्रेवी वाली अच्छी सी आलू मटर की सब्जी बनाई है वो दिखाना है। आप इसको थोड़ा देर पकने दीजिए, लगभग यहाँ पे मैंने 5 मिनट उसको पकाया है। इसके बाद ऐसे चलाना है इसको ताकि नीचे ना लगे, देखो मैंने थोड़ा टाइम कर लिया रहता तो ये नीचे लग गया रहता। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 ग्लास के आसपास पानी का यूज किया है, आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। और इसे हम अब 10 या 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी में हमारी आलू मटर की सब्जी रेडी हो जाती है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे, हो गई आपकी आलू मटर की सब्जी रेडी, आप इसे सर्व कर सकते हो। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।